चुटकियों में फिल्मों को सुपरहिट करवा देता था राम रहीम, ऐसे दिखाता था 500 करोड़ की कमाई। अखबार पूरा सच के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को आखिरकार 16 साल बाद इंसाफ मिल ही गया। मामले में आज डेरा प्रमुख राम रहीम समेत 4 लोगों को दोषी करार दिया गया है। दोषी करार दिए जाने के बाद 3 आरोपियों को अम्बाला जेल भेज दिया गया। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम केस में मुख्य आरोपी है। आइए जानते हैं राम रहीम के बारे में ये बड़ी सच्चाई। राम रहीम अपनी फिल्मों के जरिए करोड़ों की काली कमाई को सफेद बनाता था। जब बाबा की कोई फिल्म रिलीज होती थी तो थिएटर मालिकों से सारे टिकट खुद ही खरीद लिया करता था। इससे वो दिखाता था कि उसकी फिल्म की जबरदस्त कमाई हो रही है। बाबा ये टिकटें अपनी काली कमाई से खरीदता था। बाबा सिर्फ अपनी काली कमाई को वाइट करने के लिए ये फिल्में बनाता था, जबकि उसे फिल्म बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इतना ही नहीं, इसमें प्रोड्यूसर्स भी उनका साथ देते थे। वो बाबा की फिल्म की कमाई को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे। बता दें कि राम रहीम की पहली फिल्म मैसेंजर ऑफ गॉड साल 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने सिर्फ 16.89 करोड़ की कमाई की थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने कमाई को 130 करोड़ रुपए बताया। वहीं प्रोड्यूसर्स ने मैसेंजर ऑफ गॉड 2 की कमाई को 450 करोड़ रुपए बताया था, जबकि फिल्म ने सिर्फ 17 करोड़ रुपए कमाए थे। बाबा के काले धन को वाहट करने का पूरा जिम्मा हनीप्रीत का होता था। राम रहीम सिर्फ एक बाबा नहीं बल्कि एक रॉक स्टार की भूमिका भी निभा चुके हैं। राम रहीम ने कई बॉलीवुड फिल्में बनाई हैं जिसमें उन्होंने खुद हीरो का रोल प्ले किया है। गुरमीत राम रहीम ने एक ही फिल्म हिंद का नापाक को जवाब में 43 किरदार निभाए थे, इसलिए उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। राम रहीम ने MSG की 3 सीरीज बनाई। साल 2017 में उनकी एक फिल्म जटू इंजीनियर भी बनाई थी।